हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर, योजना, दैनिक जागरण की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल आया है यहाँ पे वो आया है कन्याश्री प्रकल्प स्कीम के बारे में। तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट और यहाँ पे स्कीम के बारे में। सबसे पहले देखो हम स्कीम के बारे में जानते हैं, फिर हम कंटेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तो कन्याश्री जो स्कीम है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी और यह एक कैश ट्रांसफर स्कीम है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कन्याश्री प्रकल्प जो स्कीम है वो एक कैश ट्रांसफर स्कीम है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब इम्पोर्टेंट यह इसलिए हो जाती है क्योंकि इसे यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड है वो दिया गया है, उस अवार्ड से भी इसे नवाजा गया है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिए जाने की वजह से ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है और इसके बारे में कोई ना कोई न्यूज वगैरह आती रहती है। तो काफी इम्पोर्टेंट ये स्कीम है वो हो जाती है। इसके साथ ही इस स्कीम में प्रावधान ये किया गया है देखो कि बेसिकली अगर किसी भी परिवार में अगर बच्चे का जन्म होता है तो 18 साल की एज तक उस बच्चे के अकाउंट नाम से बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा और उसमें गवर्नमेंट है वो हर साल पैसे डिपॉजिट है वो करवाएगी एनुअली। बेसिकली ये प्रावधान किया गया। उस पैसे का यूज कहाँ हो सकता है, उस पैसे का बेनिफिट एक तो ये हो सकता है कि फीमेल को एजुकेशन प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प है वो मिलेगी। इसके साथ ही जो फीमेल है उसको एम्पावरमेंट करने में भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया जाएगा इसके द्वारा। और इसी के साथ ही हमारे देश में जो सबसे बड़ा इश्यू रहता है चाइल्ड मैरिज का, उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए सफलता मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो गरीब परिवार होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए, और इसलिए वो कम उम्र में जल्दी से शादी करते हैं ताकि बाद में बर्डन ना बढ़े। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, हर साल बच्ची के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी डायरेक्टली, और वो पैसा जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी उसके बाद उस पैसे के थ्रू बच्चे की शादी है वो की जा सकती है। तो ये बेसिकली इस स्कीम के प्रावधान है, तो वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो पहले क्या था, इस स्कीम में एक्चुअली लिमिट थी, मतलब क्वालिफिकेशन का एरिया था कि जिस परिवार की एनुअल इनकम है वो है 1,20,000 से कम है वही इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। मतलब जिस परिवार में एक की ईयरली इनकम 1,20,000 से कम है तो उस परिवार में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहाँ पे इस स्कीम का आप बेनिफिट उठा सकते हो। इससे ज्यादा के लिए कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं था, बट अभी गवर्नमेंट ने ये कैपिंग हटा दिया है, अभी गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कोई भी पर्सन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की इसमें लिमिट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। बस अगर कोई भी कहीं भी बच्ची का बर्थ होती है तो उसके अकाउंट में ईयरली गवर्नमेंट पैसे डिपॉजिट करवाएगी एक अकाउंट खुलवाने के बाद, और उस पैसे से फिर बच्चे की हेल्थ के हुई या फिर आप बोलते हो कि शादी में उस पैसे को यूज है वो किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान वो रखनी है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड की तरफ। देखो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड है वो बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि कोई एक इनोवेटिव आइडिया आया हो, एक एक्सीलेंस ऑफ वर्क हुआ हो कहीं ना कहीं, जिससे क्या हो कि हम कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में दिया जाता है बेसिकली कि जहाँ पे पब्लिक सर्विस के लिए अच्छा काम किया जा रहा हो। मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई भी ऐसी स्कीम आ गई हो जिसने कि पब्लिक सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत अच्छा अवार्ड वगैरह लेके आए हो, कोई ऐसा अच्छा काम कर रहा हो। जैसे कि ये जो कन्याश्री प्रकल्प स्कीम है ये क्या कर रही है, बेसिकली ये वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस कर रही है। इससे के साथ ही हमारे देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरह पे ये काम हो कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इंडिया में जो गर्ल्स साइड है उनको बचाने के लिए इसका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए इसे यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड है वो दिया गया है। इससे के साथ ही कोई ऐसा कार्य हो जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट में अचीव करना हो और उसकी तरफ अगर हम काम कर रहे हो तो भी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड है वो दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान वो रखनी है कि भाई क्या कंटेक्स्ट वगैरह था, कौन सी न्यूज है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के बारे में। देखो बात ऐसी है, अभी प्रधानमंत्री ने जब 72वां स्वतंत्रता दिवस था इस मौके पे अपने भाषण में काफी सारे वर्ड्स का यूज किया था और उन्होंने कहा कि इंडिया है वो 2022 तक एक्चुअली इंसान को स्पेस में भेज देगा। देखो अभी तक हम बात करें केवल 3 ही ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने एक ह्यूमन को स्पेस में भेजा है। पहली बात की जाए वो है चाइना, दूसरा है रसिया और तीसरा है यूएसए। खैर इंडिया ने भी राकेश शर्मा को भेजा था बट वो इंडिया का खुद का बनाया हुआ जेट वो नहीं था, मतलब स्पेसक्राफ्ट नहीं था, वो एक्चुअली रसिया का बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट था, उसकी हेल्प से ही इंडिया ने राकेश शर्मा को भेजा था। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, खुद का मतलब इंडिजिनस मतलब स्वदेशी ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार कर रहा है जिसकी हेल्प से इंसान को स्पेस में भेजा जा सके। तो इंडिया इसमें जब भी सफलता हासिल कर लेगा या जब भी एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा तब इंडिया फोर्थ कंट्री हो जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फोर्थ कंट्री होने वाली है, कहीं यूपीएससी ऑप्शन में दे दे कि भाई थर्ड कंट्री है सेकेंड कंट्री है तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूज है वो नहीं होना है। देखो
बात ऐसी है कि अभी इस मिशन के बारे में कुछ चीजें क्लियर नहीं है। बेसिकली इस मिशन का नाम यहाँ पे दिया गया है गगनयान मिशन, तो यूपीएससी तो गगनयान मिशन के बारे में पूछ सकती है कि गगनयान मिशन क्या है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, मतलब इंसान को स्पेस में भेजने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अभियान चलाया रहा है, उसका नाम है गगनयान मिशन। अब इसके देखो कुछ टेक्नोलॉजी के वर्ड्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाकी सारे चीजें तो अभी तक क्लियर नहीं है मिशन के बारे में कि कैसे क्या है। तो हम कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक तो है क्रियोस्केप सिस्टम के बारे में। जिस अब पहले ये देखते हैं कि क्रियोस्केप सिस्टम है क्या। क्रियोस्केप सिस्टम का मतलब ये है कि देखो जो ही अगर हम किसी स्पेस क्राफ्ट के थ्रू किसी इंसान को अगर हम बाहर भेजते हैं, या भाई मान लो कि इसलिए स्पेस क्राफ्ट हुआ, इसमें इंसान को हम बाहर भेज रहे हैं, अगर जो ही ये यहाँ से अर्थ से उड़ा और फिर हो सकता है कि कुछ दूर जाने के बाद इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू, कोई भी ऐसा इश्यू आ गया हो जिसकी वजह से ये फट सकता हो या हम आगे नहीं जाने वाला हो, तो उस कंडीशन में जो आगे क्रू मेंबर होंगे जिनका एक अलग से केबिन होता है स्पेस क्राफ्ट में ही, वो क्या करेगा, अलग हो जाएगा और आपस में वो लोग मूव करके फिर पैराशूट की हेल्प से नीचे आ जाएंगे। मतलब क्रू को बचाने के लिए बेसिकली टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है, उसका नाम होता है क्रू एस्केप सिस्टम। तो ये टेक्नोलॉजी है, इस पर तो इंडिया ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है और ये सफल भी रही है। इसके साथ ही और भी तरह तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं कि जैसे स्पेस क्राफ्ट में टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करना हो, तो उन सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी अभी एक्सपेरिमेंट है वो चल रही है, तो ये चीज यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है। एक बात ये है कि देखो अभी इसरो है उसका फोकस ये है कि जो भी स्पेस क्राफ्ट हम बनाएंगे वो रीयूजेबल होगा। अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट बनाया हो और उसकी हेल्प से इंसान को स्पेस में भेजा हो, तो अभी इंडिया पूरी ट्राई कर रहा है कि भाई रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम इंसान को स्पेस में भेजेंगे ताकि उस सेटेलाइट उस सॉरी स्पेस क्राफ्ट का हम वापस से दोबारा यूज है वो कर सकें। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इस मिशन के बारे में, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि एक महाराष्ट्र का एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक। कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें भी एक साइबर अटैक हुआ, मालवेयर अटैक हुआ और उसकी हेल्प से लगभग 80 करोड़ रुपए वो चोरी किए गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये तो कौन कौन से साइबर अटैक हुए हैं और क्या एनपीसीए है, इसके बारे में थोड़ी चीजें जानेंगे। देखो चोरी इस प्रकार हुई थी कि जो कस्टमर के डेबिट कार्ड थे उनके क्लोन या उनकी कॉपी बनाई गई थी, मतलब कस्टमर का जो पास डेबिट कार्ड होता है उसी की कॉपी बना के और उसे डाट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर है वो बेसिकली किया गया था वर्ल्ड की डिफरेंट सिटीज में, जिसमें कनाडा, बैंकॉक, हांगकॉन्ग वगैरह काफी सारी सिटीज का नाम बेसिकली आया था। तो वो तो सिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है वो किस टाइप का हुआ है। तो बेसिकली जो साइबर अटैक हुआ था वो था मालवेयर टाइप का। अब देखो मालवेयर टाइप के जो साइबर अटैक हुए हैं वो डिफरेंट अलग अलग नाम के होते हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है यूपीएससी मेज द फॉलोइंग में इनको मतलब क्रॉस चेक करवा लेती है, तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या टाइप के होते हैं ये। देखो देखो मालवेयर का मतलब ये होता है कि एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे आपको पता है कुछ टाइम पहले, एक डेढ़ साल पहले ही इंडिया में काफी सारे अकाउंट्स का डेबिट अकाउंट का डाटा चोरी हुआ था और उसकी हेल्प से भी मालवेयर अटैक करवाया गया था। तो वो सारे क्राइम है वो मालवेयर अटैक की हेल्प से ही होते हैं। इसमें क्या होता है कस्टमर के जो भी, जैसे मान लो कि किसी का एक कंप्यूटर है, इसमें एक मैसेज शो करेगा उनको ऊपर ऊपर जो ही वो कंप्यूटर ओपन करते हैं तो कि भैया आप इतने रुपए डिपॉजिट करवाइए, अदरवाइज हम आपका अकाउंट डिलीट वगैरह जो भी है मतलब आपके सिस्टम का डाटा डिलीट कर देंगे, टीसी वगैरह। तो उस कंडीशन में अगर कंप्यूटर में काफी इंपॉर्टेंट डाटा है तो फिरौती देनी पड़ती है, अदरवाइज फिर फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से काफी सारी दिक्कत का सामना है वो यहाँ पे करना पड़ता है। अब मालवेयर की बात करें तो यह एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर ही है जो क्या करता है, अनवांटेड और जो इलीगल एक्टिविटीज होती है ना वो करता है नेटवर्क की हेल्प से। जैसे कि कोई भी कंप्यूटर है वो अपने नेटवर्क सिस्टम में जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा मालवेयर इसमें अगर एंट्री कर ली उसने, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है, और फिर वो अपना मनचाहा काम यहाँ से करवाता रहता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के मालवेयर होते हैं, जैसे एक तो होता है वायरस। तो वायरस के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं वायरस क्या काम करता है, एक से दो, दो से तीन, मतलब अगर एक बार सिस्टम में घुस गया तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, एक सिस्टम से एक प्रोग्राम से दूसरे में बढ़ जाएगा, दूसरे से तीसरे में, होगा क्या सिस्टम की स्पीड स्लो कर देगा, सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स वो डिलीट कर देगा, इसके साथ ही इन्फेक्शन एक तरीके मतलब सिस्टम की हालत है वो खराब कर देगा और सिस्टम में जो भी सही चीज़ है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो वो तो होता है वायरस। अब करते हैं वॉर्म की बात। वॉर्म का मतलब ये होता है कि ये एक मास मेल होता है, मतलब बल्क में मेल भेजता है,
मतलब क्या हुआ, हमारा सिस्टम हुआ उससे एक साथ बहुत लोगों को मेल भेज देगा, ये मान लो कि हजारों लाखों लोगों को मेल सेंड कर देगा, और क्या करेगा सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा ताकि सिस्टम में कोई भी एक्टिविटीज ना हो सके। तो कहीं ना कहीं इसका यूज है वो किया जाता है वॉर्म का। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉर्म में क्या होता है, जो मेल है वो सेंड की जाती है बल्क में, मतलब बहुत सारी मेल है वो एक साथ बल्क में सेंड की जाती है, जिसका मेन मोटिव ये रहता है कि भाई नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब कर दो ताकि नेटवर्क आगे कुछ काम ही नहीं कर पाए सिस्टम वगैरह। तो ये तो होता है वॉर्म। अब बात करें ट्रोजन की, ट्रोजन में क्या होता है कि जो हम कमांड देते हैं ना वो काम नहीं करता, हम कमांड देते हैं राइट क्लिक की, जबकि सिस्टम काम कर रहा है कुछ अपने ही तरीके से, मतलब सिस्टम अपनी अकॉर्डिंग काम नहीं करता, सिस्टम अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो भी हैकर है उसने क्या कर लिया, जो सिस्टम का कंट्रोल है या तो वो अपने पास ले लेता है या फिर एक तरीके से उसको ऑटो रन वाली कंडीशन पे छोड़ देता है। तो इससे होता क्या है कि हम जो भी कमांड देते हैं वो काम नहीं करते, हम चाहते हैं कि कोई फाइल कॉपी करें तो फाइल कॉपी नहीं होती, उल्टा डिलीट हो जाती है, कई बार फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो ऐसे जो काम होते हैं वो कह जाते हैं ट्रोजन की हेल्प से। अब बात आती है यहाँ पे एक होक भी होता है, HOA की। होक में क्या होता है कि एक मेल होती है एक तरीके की जो हमारे पास आती है, हमारे पास कि देखो भाई आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, आपके पास ये फीचर्स रहेंगे और आपको ये फैसिलिटी मिलेंगी। और जो ही हम उसको डाउनलोड करते हैं उस मेल वगैरह के थ्रू, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बेसिकली बताया जाता है हमें, तो हमारा सिस्टम है एक तरीके से हैंग हो जाता है और फिर काम करना धीरे धीरे स्लो कर देता है, मतलब हमारा सिस्टम वो काम करना एक तरीके से बंद सा हो जाता है। तो वो हो गया हो, मतलब हमें मेल आती है, वार्निंग आती है हमारे पास कि भैया आपसे डाउनलोड कर लो, आपका सिस्टम क्रिटिकली हालत में है, TCDC, मतलब हमें डराया जाता है। और जो ही हम वो चीज़ डाउनलोड करते हैं जो उन्होंने बताई वो स्टेप को फॉलो करते हैं, तो हमारा सिस्टम एक तरीके से डब्बा बन जाता है। इसके बाद में कहता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का तो बहुत सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारे सिस्टम का डाटा है वो चोरी किया जाता है इसमें, मतलब हम कौन सी साइट विजिट कर रहे हैं, कौन कौन से क्या क्या काम कर रहे हैं, उन सारों पे नजर रखी जाती है और उन सबको चोरी किया जाता है। तो ये होता है स्पाईवेयर। तो अब हमने एक एक करके इन सारों के बारे में जाना। जैसा मैंने आपको बताया कि वायरस क्या होता है, एक से दूसरी फाइल को स्प्रेड करता है और उन फाइलों को ओपन नहीं होने देता। वॉर्म क्या काम करता है, बल्क में बहुत सारी मेल भेजता है और सिस्टम को एक तरह हैंग या ब्लॉक कर देता है। ट्रोजन में क्या होता है, जो कमांड हम देते हैं वो कमांड फॉलो नहीं करता, कंप्यूटर अपनी दूसरी कमांड या और कोई काम ही करता रहता है, मतलब आउटसाइड एक्सेस को अलाउ कर देता है, खुद काम नहीं करता ढंग से। होक में क्या होता है कि मेल आती है हमारे पास अलर्ट आता है कि भाई आप ये चीज डाउनलोड कर लो, आपके सिस्टम खतरे में, अदरवाइज ये मतलब हमें डराया जाता है और फिर जो ही हम वो स्टेप फॉलो करते हैं तो सिस्टम हैंग। स्पाईवेयर में क्या होता है, हमारे ऊपर नजर रखी जाती है कि भाई हम कौन कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो सब चेक है वो की जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, बेसिक टर्म्स थे, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। कई बार इनको UPSC मेंस द फॉलोइंग में पूछ लेती है। अब हम जानते हैं यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये बेसिकली RBI और जो इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन है उनके द्वारा मिलकर बनाई गई थी। इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन है, इसमें बेसिकली 10 कंपनी है, जो 10 बैंक है बेसिकली, जो ज्यादा तौर पर प्रमोटर के तौर पर काम है वो करते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो RBI का नहीं है, इसमें RBI और जो बाकी इंडिया के एसोसिएशन बैंक है वो शामिल है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसका काम क्या होता है कि जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है ना इंडिया में, उसको एक्चुअली ये बेसिकली फ्लो करता है या रिटेल पेमेंट सिस्टम को आगे कंटिन्यू रखने का काम है वो करता है। मतलब जो हम जैसे कि किसी दुकान पे गए, हमने कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन किया, तो वो एक्चुअली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही होता है। इसी के साथ ही रिसेंटली जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं भीम ऐप के द्वारा, वो सारे वो भी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हेल्प से ही हो रहे हैं। मतलब जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया, सिस्टम बनाया जा रहा है, UPI जो कि आधार कार्ड से लिंक होता है, वो सारा भी एक्चुअली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हेल्प से ही ट्रैक है, या वही इसे कंट्रोल है, मॉनिटर वगैरह सारे काम है वो करती हैं। हमारे देश में जो कैशलेस सोसाइटी की बात की जा रही है, वो काम सारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। मतलब जो हम डेली लाइफ में जो ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिटल वगैरह, छोटे मोटे इधर उधर कोई चीज़ खरीद ली हमने, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, वो सारे ट्रांजेक्शन बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हेल्प से ही किए जाते हैं। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए इसके द्वारा काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रखा गया है। बस हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि है अकेला RBI का नहीं है, इसमें इसके साथ इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, मतलब इंडिया के जो बैंक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। बेसिकली 10 ऐसे बैंक हैं जो कि इसको ज़्यादा प्रमोट है वो करते हैं, मतलब वो हेड होते हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक रुपे प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना है कि जो रुपे है, जो कि एक तरीके से इसके बारे में पहले डिस्कस भी किया था कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो कि आपस में चीज़ों को, जो भी हम पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो उस दौरान इसके यूज है वो किया जाता है। तो जो रुपे प्लेटफॉर्म है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था, ना कि RBI के द्वारा। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है
वो है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि न्यू फ्रंटियर्स जो प्रोग्राम है वो क्या है। देखो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली यूएसए का एक नासा का एक मिशन है। ये चीज आपको ध्यान रखने की नासा का है प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या है, काफी सारे ऐसा प्रोग्राम है। जैसे मान लो कि एक मेन प्रोग्राम हो गया, जैसे कि आपको आईएएस बनना है तो ये आपका मेन प्रोग्राम होगा। इसके बाद में इसमें आप छोटे छोटे टारगेट तय करोगे कि मेरे को हिस्ट्री क्लियर करनी है, मेरे को ज्योग्राफी क्लियर करनी है। उसी तरीके से में छोटे छोटे मिशन है वो रखे गए हैं। जैसे कि जो न्यू ओरिजन मिशन है वो भी न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो सारे बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम है नासा के द्वारा वो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के थ्रू ही चलाए गए हैं। न्यू फ्रंटियर्स जो प्रोग्राम है इसका मेन मोटो ये है कि स्पेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मतलब जो स्पेस सोलर सिस्टम है हमारा इसके बारे में रिसर्च करना, इसके साथ ही जो ड्वार्फ प्लेनेट है उनकी स्टडी करना, स्पेस के बाद में और ज्यादा एक्सप्लोर करना, मतलब स्पेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है वहां के बारे में रिसर्च करना, इन सारे काम बेसिकली न्यू फ्रंटियर जो मिशन है उसके द्वारा अंजाम है वो दिए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो कंटेक्स्ट है वो है न्यू ओरिजन मिशन को लेके। न्यू ओरिजन मिशन है क्या पहले तो वो जानते हैं, फिर कंटेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। न्यू ओरिजन मिशन का मेन मोटो ये है कि जैसे ये आपको बता दूं, ये सन है हमारे सोलर सिस्टम में, इसके चारों तरफ जो है प्लेनेट है। तो ऐसे बता आपको कि लास्ट में जो हमारा प्लेनेट आता है उस प्लेनेट के बाद में क्या आता है, प्लूटो के बाद में क्या आता है, यहाँ पे आपको बताया कि एक बेल्ट आता है जिसका नाम है क्यूपलर बेल्ट। तो इस क्यूपलर बेल्ट में क्या होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। देखो क्यूपलर जो बेल्ट है उसके अंदर बेसिकली फ्रोजन मीथेन होती है, फ्रोजन हाइड्रोजन है, वो चीजें पाई जाती हैं। मतलब इसके बेल्ट में जो भी चीजें वो मैक्सिमली फ्रोजन ही होती हैं। अब यहाँ पे क्यूपलर बेल्ट की स्टडी हमें करनी है, इसके लिए बेसिकली न्यू ओरिजन मिशन है वो लॉन्च किया गया था। तो अभी क्या हुआ, ये पता चला कि जो ये क्यूपलर बेल्ट है ना, इस क्यूपलर बेल्ट के बाहर एक लेयर है हमारे जो आप बोल सकते हो कि स्पेस सिस्टम के चारों तरफ, मतलब हमारी जो आकाशगंगा हो गई, मिल्की वे, जो हमारा जो ब्रह्मांड हो गया है सिस्टम, इसके बाहर एक क्या है लेयर बनी हुई है और वो लेयर किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो ये बेसिकली इसमें अभी रिसर्च के थ्रू पता चला है कि भाई हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके एंड में एक हाइड्रोजन की वॉल है वो बनी हुई है, उससे फिर हमारी जो लाइट है यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती रहती है। ये बेसिकली यहाँ पे नई रिसर्च के थ्रू पता चला है, किस मिशन के थ्रू, न्यू ओरिजिन मिशन के तहत ये पता चला है। एक टेलीस्कोप है जिसका नाम भी आप ध्यान रख सकते हो, जिसका नाम है एलिस टेलीस्कोप। ये एलिस टेलीस्कोप है, इसकी हेल्प से ही पता चला है कि हमारा सोलर सिस्टम है इसमें जो क्यूपलर बैंड है इसके बाहर एक हाइड्रोजन की वॉल है और लेयर बनी हुई है, तो हमें एक प्रोटेक्शन का काम यहाँ पे कर रही है। तो उसको लेके बेसिकली ये आर्टिकल आया है, तो हमने इसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, वो आया है बेबी पेंगुइन के बारे में। देखो इंडिया में पहली बार मुंबई में एक जू है वहां पे बेबी मतलब एक पेंगुइन है उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसको लेके आया है। तो उस पर बेबी यूपी से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पेंगुइन के बारे में पूछ सकती है कि वहां पे पेंगुइन को प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे प्रोग्राम है वो चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो मुंबई में जो जू है उसका नाम थोड़ा ध्यान रखता है, जू का नाम है बेकुला जू। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मुंबई के अंदर बेकुला जू है वहां पे पेंगुइन को प्रोटेक्शन और या वहां पे मतलब पेंगुइन की ब्रीडिंग वगैरह करवाई जाती है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट छोटा सा फैक्ट है वो बन जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है पोस्टल हाईवे को लेके। देखो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि भारत ने नेपाल को 33 करोड़ का एक्चुअली एक फंड है या 33 करोड़ का एक पैकेज आप बोल सकते हो कि चेक है पैसे हैं वो दिए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिलेशन इम्प्रूव हो और इसी के साथ ही नेपाल को एक हेल्प है, एक एड है वो दी गई है। नेपाल का देखो तराई वाला एरिया है, आपको थोड़ा देख लेते हैं। देखो नेपाल की लोकेशन थोड़ी इस प्रकार है, कुछ मतलब ऐसी सी शेप है नेपाल की। तो ये जो इंडिया के बॉर्डर वाला एरिया था ना, ये वाला एक सेकंड, ये बॉर्डर वाला एरिया, इसको बेसिकली तराई रीजन के नाम से जानते हैं। तो इस वाले एरिया में जो कनेक्टिविटी बनानी है ना, इस कनेक्टिविटी को स्टेबल करने के लिए वहाँ पे पोस्टल हाईवे काफी इंपॉर्टेंट होता है। यह नेपाल का काफी पुराना हाईवे है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने फंड है वो दिया है। इसका दूसरा नाम भी है, वो भी हमें ध्यान रखना है, वह हुलाकी राजमार्ग। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, हुलाकी राजमार्ग है उसके लिए इंडिया ने पैसा दिया है। ये तराई रीजन में है नेपाल के, और तराई रीजन में आपको पता है कि काफी डिफिकल्टी है, यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए, मतलब ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए पोस्टल हाईवे उसका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करें, ईस्ट के अंदर एक जगह है बहादुरपुर और वेस्ट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दोधारा। तो इन बहादुरपुर और दोधारा नाम की जगह के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए पोस्टल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, और उसके लिए इंडिया ने पैसा है वो दिया है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।